हेलो फ्रेंड, आज मैं चंद्रपुरा स्टेशन में ट्रेन का वेट कर रहा हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रानू मंडल जो म्यूज़िक की दुनिया में काफ़ी फेमस हो चुकी है, आज मैं अपनी ट्रेन का वेट कर रहा था चंद्रपुरा स्टेशन में। मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिला जिनका आवाज़ बेहद सुरीला और सुंदर है। मैं चाहूँगा कि आप लोगों के सामने उनका आवाज़ रखूँ, आप भी देखें और पहचानें उनकी कला को। तो आइए मिलते हैं हम लोग कुरपनिया के राजन, जो काफ़ी बेहद अच्छे सिंगर हैं। सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। लोग आते हैं, लोग जाते हैं, बस हम तो वहीं पे खड़े जाते हैं। सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। लोग आते हैं, लोग जाते हैं, बस तो हम वहीं पे खड़े जाते हैं। सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। थोड़ा पानी पिया, याद रब को किया, प्यास भी बुझ गई, प्यास भी बुझ गया। काम हर हाल में, नाम एक साल में, ईद की एक छुट्टी हम मनाते हैं। सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। लोग आते हैं, लोग जाते हैं, बस तो हम वहीं पे खड़े जाते हैं। सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। लोग आते हैं, लोग जाते हैं, बस तो हम वहीं पे खड़े जाते हैं। सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। जीना भी मुश्किल तो है, अपना भी दिल तो है, हम भी एक इंसान है, हम भी एक इंसान है। जीना भी मुश्किल तो है, अपना भी दिल तो है, हम भी एक इंसान है, हम भी एक इंसान है। जब सताते हैं गम ऐस करते हैं हम, जब सताते हैं गम ऐस करते हैं हम, बीड़ी पीते हैं और पान खाते हैं। सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। लोग आते हैं, लोग जाते हैं, बस तो हम वहीं पे खड़े जाते हैं। सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। तो देखा फ्रेंड, आप लोगों ने इनकी आवाज़ कितनी अच्छी थी। मैं चाह रहा हूँ कि यूट्यूब के माध्यम से इनको भी लोग जाने और इनकी आवाज़ को लोग सराहें, क्योंकि ये बेहद ही अच्छे सिंगर हैं, काफ़ी अच्छा दिल से गाते हैं। रानू मंडल भी फेमस हुई, वो भी पहले एक रेलवे स्टेशन में गाती थी, लेकिन आज के डेट में वो एक सेलिब्रिटी बन चुकी है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोगों से इनके गायिका को पसंद करें, लाइक करें और शेयर करें दूसरों तक। थैंक यू।